मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 7 डे क्लास है। आज मेरी क्लास का टॉपिक है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इस क्लास को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इन सब पर बनी हुई है, उसको आप जरूर देख लें। चूंकि ये जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स है, इसमें जो मैं वीडियोज डाल रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप यदि आप देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें। हमारी सारी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुल देखेंगे। ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी वीडियो है, बिकॉज ये वीडियो ये देख लेते हैं कम्प्लीटली तो उनके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। देर आर मेन टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं जिससे मिलकर के कंप्यूटर बना हुआ होता है। आप पार्ट ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के एक एक कंपोनेंट्स, एक इक्विपमेंट्स को देखेंगे तो अलग चीज है, बट जो कंप्यूटर पूरा सिस्टम मेंटेन होता है वो दो, उसके दो मेन भाग होते हैं। फर्स्ट है आपका हार्डवेयर एंड सेकेंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है और विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब, अगर हमको यूजेबल यूजर इंटरफेस बनाना है कंप्यूटर को, तो उसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और आपको चीजें बातें पूरी समझ में आ जाएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम हार्डवेयर समझते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर समझते हैं। हार्डवेयर जो है वो तीन प्रकार का होता है। अगर टाइप ऑफ हार्डवेयर हम देखें तो हार्डवेयर थ्री टाइप्स होता है, इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट। मीन्स इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपको मालूम हो कि कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है उसे हम आईपीओ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आईपीओ मीन्स इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट। जब हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से इन करते हैं तो प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है और वहां से वो कंप्लीट प्रोसेस करके उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस कर दिया जाता है जिससे यूजर्स को रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो आईपीओ एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर के फंक्शन का। तो हम देखें इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में इन्वॉल्व की गई होंगी, चाहे वो बेसिक इनपुट हो, स्पेशल इनपुट हो, सारी डिवाइसेस आपके हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर को हम इस तरह से समझें, अगर एक सेंटेंस में हम समझना चाहें तो ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट हार्डवेयर कहे जाते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर। हार्ड मतलब होता है ठोस, वेयर मतलब होता है पहनावा। जिसका कवर हार्ड हो, हार्ड सरफेस जो होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसमें आपका इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम इन डिवाइसेस के बारे में अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको आपको अच्छी तरीके से अलग अलग वीडियो करके समझाएंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। बट समझने के लिए मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो मेन दो प्रकार से होती हैं, एक बेसिक इनपुट और स्पेशल इनपुट। बेसिक इनपुट में आप देखते हैं कि कंप्यूटर यदि है तो उसमें कीबोर्ड और माउस, ये कंपल्सरी है। तो कीबोर्ड और माउस जो होता है वो आपका बेसिक इनपुट होता है, और स्पेशल इनपुट में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, स्कैनर है, वेब कैमरा है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्पेशल डिवाइसेस हैं जो इनपुट के लिए यूज की जाती हैं। वो आपकी सारी इनपुट डिवाइसेस, जितने भी पार्ट्स हैं इनपुट के, सब आपके हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर, प्रोसेसिंग डिवाइस को ही प्रोसेसर कहते हैं। आप जानते हैं प्रोसेसर होता क्या है, जो कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसर क्या होता है,
हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं उसे। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एक सीपीयू स्लॉट होता है जिस पर आपका प्रोसेसर लगता है, जिसे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू स्लॉट पे जो आपका माइक्रो प्रोसेसर लगता है उसे हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और पूरे होल सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है उसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिससे परिणाम प्राप्त होता है, रिजल्ट मिलता है हमें, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है वो दो तरीके से प्राप्त होता है, फर्स्ट है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सेकेंड है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस में टू टाइप आउटपुट डिवाइसेस होती है, एक वो डिवाइसेस जो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती है और एक वो डिवाइसेस जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल आप सब देखें तो प्रिंटर है, प्लॉटर है, इन सबसे हम हार्ड कॉपी में जैसे हम पेपर पर रिजल्ट लेते हैं, हम फ्लैश पर लेते हैं, या हम कोई भी चार्ट पर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हमें फोटो निकलवाना है सीट पर तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटर और प्लॉटर जो है आपका वो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट डिवाइसेस जो हमें सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो ऑडियो बेस हो, वो डिवाइसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कही जाती हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं आपके मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल मैंने बताया आपको, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, स्कैनर एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग डिवाइस में वो डिवाइस जो कंप्लीट प्रोसेसिंग करता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस दो प्रकार से होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो वो डिवाइसेस जो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती हैं उन्हें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, और वो डिवाइसेस जो सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रदान करते हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया प्रिंटर, प्लॉटर ये हार्ड कॉपी के एग्जांपल हैं, और मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ये सब आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर। मैं आपको और बता दूं कि जो मैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, इनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर इस एक ही वीडियो में बताऊंगा आपको तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सारी चीजों को आसानी से आप समझ नहीं पाओगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाएंगे जिससे आपको पूरी बातें, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है मेनली अगर देखा जाए तो। सॉफ्टवेयर तो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, और सिस्टम का ही एक रूप है, अंडरस्टूड है आपका यूटिलिटी। बट यहां मैं आपको डीपली बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर थ्री टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम एक एक करके समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में यूजर्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब कंप्यूटर का वे सॉफ्टवेयर जो होता है जिस पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की जीवात्मा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सोल ऑफ हार्डवेयर कह सकते हो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हार्डवेयर के अंतर्गत जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तभी आप उस हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं, फंक्शन में तभी आते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो देखा जाए तो मेन दो तरीके से होता है, एक यूजर बेस होता है और एक रेडी मोड होता है। यूजर बेस में हम ट्रांसलेटर वगैरह यूज करते हैं, और रेडी मोड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड करता है, जिस पर कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का हम वर्क करते हैं, वर्क इंटरफेस हमें प्रदान करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जैसे कंपाइलर है आपके, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेज तीन प्रकार से होती है, एक मशीन लैंग्वेज जैसे लो लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं, एक असेंबली लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज बाइनरी है,
और बाइनरी नंबर को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हार्डवेयर जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो बाइनरी में जाता है और कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को ही डायरेक्टली लेता है। तो बाइनरी लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज हो गया, और असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर होता है जो मेनेमोनिक्स भाषाओं को कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें असेंबलर की जरूरत होती है जो आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तथा हाई लेवल लैंग्वेज में से सी है, सी प्लस प्लस है, पास्कल है, फोर्टन, ये सब आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, ये भी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली बताऊंगा आप लोगों को एक नेक्स्ट क्लास में, एक सेपरेट वीडियो में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्यूटर जब सबसे पहले यूज किया गया, आप जानते हैं कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, गणना करने की मशीन, और कंप्यूटर के द्वारा पहले गणना ही किया जाता था, लेकिन कंप्यूटर आज वाइडली यूज होता है। कंप्यूटर से कोई क्षेत्र परे नहीं रह गया है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाने के नाते उसका क्षेत्र वाइड हो गया है। आज आप कंप्यूटर को हर जगह प्राप्त कर पाते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, कॉमर्शियल सेक्टर हो, हॉस्पिटलिटी हो, ई कॉमर्स हो, ऑनलाइन वर्क के लिए एनिमेशन वर्क है, मल्टीमीडिया के वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क है, तो हर जगह आपको कंप्यूटर यूज में आता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने उसका क्षेत्र वाइड कर दिया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आप लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, मल्टीमीडिया में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ऑटो कैड वगैरह है, फोटोशॉप है फोटो डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आपका कोरल ड्रा है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिससे हम यूज करते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर में, एप्लीकेशन को यूज नहीं किया जा सकता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा, कंप्यूटर वर्क में ही नहीं आएगा, और हम उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। इसलिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप कंप्यूटर में नहीं डालेंगे, तब तक हम एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी से आप समझते हैं, जैसे कोई भी इंजीनियर है तो उसके पास एक यूटिलिटी बॉक्स होता है, जिससे, या डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास भी एक यूटिलिटी बॉक्स होता है, जिससे वो अपने मरीज को उसका ट्रीटमेंट करता है और उसको प्रॉब्लम से दूर, या उसके जो भी उसको इलनेस है, जो भी बीमारी है, उससे दूर करता है। तो वैसे ही यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, एक फर्मवेयर होता है जो बेस तैयार करता है, जहां पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है कंप्यूटर में। यूटिलिटी जो आपका है उसके कई सारे एग्जांपल, जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो उसको हटाने के लिए हम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरसेस का यूज करते हैं, डिस्क क्लीन अप करना है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, ये सारा कुछ। साउंड ड्राइवर्स है हमारे कंप्यूटर में, जैसे वीजीए सही नहीं आ रहा है तो उसके लिए जो वीजीए ड्राइवर डाला जाता है वो भी यूटिलिटीज का एक एग्जांपल्स है। तो आप समझ सकते हैं यूटिलिटी क्या है। कहने का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप एंटीवायरसेस है, ड्राइवर्स है, डिस्क क्लीनअप है, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो आपने देखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के भाग है, जो एक दूसरे के पूरक है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई वैल्यू नहीं है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए। वीडियो को बहुत केयरफुली देखेंगे, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।